अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं हमजा, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। चलिए आज का ब्लॉग करते हैं शुरू। दोस्तों मैं जा रहा हूं, मुझे काम था आतुसकोला जहाँ से मैंने ड्राइविंग कोर्स किया है, क्योंकि मेरा जो लास्ट गुइदा था, जो आखिरी जो मेरा प्रैक्टिकल था, वो डेट है मैंने वो चेंज करवानी। मैं वहाँ जा रहा हूँ और साथ मेरे ज्वाइन किया है किसने, उस्मान ने। मानी है जी, हमारे साथ है मानी। मानी ने ज्वाइन किया, मैं साथ दोनों चलते हैं। और एक और हैं जी साथ हमारे, अस्सलाम वालेकुम, जैन भाई ने भी हमें ज्वाइन किया है। चलते हैं जी आतुसकोला। आज बहुत सर्दी है वाकई यार, मानी सर्दी तो है, मुझे भी लग रही है। मैंने तीन जैकेटें पहनी है, एक नीचे से शर्ट पहनी है, ये ऊपर से छोड़ लिया, ऊपर से ये फिर जैकेट ली है। मानी ने तीन वो देखे, मानी और मैंने भी देखे, मफलर डाला है साथ में, एक और जर्सी नीचे से डाली है और साथ ऊपर कोट भी डाला है। काफ़ी यार ठंड है मानी यहाँ पे, लग रही है। पाँच कितना टेम्परेचर है? पाँच है मेरे ख्याल से, पाँच टेम्परेचर है, पाँच टेम्परेचर है यहाँ पे, काफ़ी सर्दी है यहाँ पे। और मानी सुनाओ क्या चल रहा है आजकल? हाँ जी मानी तो जाएंगे कल स्कूल। आपके तो स्कूल मानी खुल रहे हैं? कल शुरू हो रहे हैं स्कूल है। हाँ जी स्कूल जाना है। क्या टाइम टेबल होगा आपका फिर, कब उठना है कब जाना है? 5 बजे उठना है। 5 बजे मानी उठेगा जी, फिर नहाना है, फिर नहा के कपड़े डाल के फिर स्कूल है। मैं बताता हूँ मानी क्या करता है। मानी सुबह सुबह उठता है 5 बजे, नहा धो के बाद में फिर बिस्तरे में सो जाता है फिर। और एक और मज़े की बात आपको बताता हूँ, जब ये नहा के निकलता है ना तो ये परफ्यूम वगैरह भी लगा लेता है, परफ्यूम वगैरह लगाने के बाद ये सो जाता है और फिर 1 घंटे बाद फिर उठता है। मानी की ये आदत है, क्यों मानी ऐसे ही है बताओ मुझे? एनजीए मानी इसी तरह ही। और देखो यार पहले ठंड लग रही, मानी को ठंड लगती है, सर्दी होती है। नहीं तो मुझे ये बताओ कि तुम परफ्यूम लगा के क्यों सो जाते हो बाद में? सो का तो जाना मानी, तू परफ्यूम ला के हैं सो के जाना, गरम गरम हवा मेनू बुला रही होनी, कहंदी आया है बिस्तरे जाना। गरम 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 हवा नु मानी डीकदा हुंदा, बल्कि हवा डीकदी हुंदी मानी नु, आया मानी बिस्तरे च फिर बिस्तरे वर जाना जदे लम्मे पैना ते गरम होए ना एक टाइम। अभी हम जा रहे हैं चैंत्रों की तरफ जा रहे हैं। अच्छा मानी मुझे फेस्टे का नहीं पता, ये कौन सा फेस्टा है बताओ उसके बारे में कुछ। बेखाना का ये मैंने पढ़ा था इसके बारे में, कि टीचरों ने भी बताया था कि ये फेस्टा बहुत मशहूर है और 6 जनवरी को होता है हर साल। 6 जनवरी को तो आज कितनी है? आज 6 ही है। आज 6 जनवरी है जी, 6 जनवरी को होता है। और इसका होता क्या है? में बहुत जिक्र होता है, एक चुड़ैल होती है उसके कहानी के बारे में लिखा होता है। मतलब कि यहाँ जितने भी मैंने फेस्टिवल देखे ना, फेस्टे इसी तरह कार्टून की तरह ही कोई चुड़ैल बन जाती है, कुछ ऐसे हो जाता है कुछ वैसे, इसी तरह इनके सारे फेस्टे। और मानी कोई इनका मशहूर फेस्टा बताओ। भीम के गार्डन में भी चुड़ैल आती है, बहुत है। भीम के गार्डन मानी वो कौन से हैं? मानी तुम कार्टून भी देखते हो? कार्टून में कभी कभी देखता हूँ। और मानू मानी आपके फेवरेट कार्टून कौन कौन से हैं? मेरे फेवरेट कार्टून है, मैंने जो अभी तक देखे हैं वो है 3D कार रेसर। 3D कार रेसर है मानी जी, हॉलीवुड के हैं लेकिन हिंदी में देखे। अच्छा मैंने देखे हैं कार्टून, पर उनका नाम है जी इनाजमाई लेमन, वो कार्टून मैंने देखे हैं, वो मेरे भी फेवरेट हैं। तो मानी वो क्यों नहीं बताया पहले मानी तुमने? वो मैंने इस याद ही नहीं आ रहा था इसलिए। मानी को याद नहीं आ रहा था। अच्छा जिन लोगों ने देखी है इनाजमाई लेमन या मोटू पतलू, जो भी यार जो जो आपके फेवरेट है कार्टून वो नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ हमें। और मुझे तो सर्दी लग रही है इसलिए, अभी मैंने इतना कुछ डाला भी है फिर भी सर्दी लग रही है, सोच रहा हूँ और ऊपर से कंबल ले लूँ। कंबल ले लूँ मानी सोच रहा है, मानी कंबल ले ले यार, वाकई सर्दी बहुत है। घर बैठ के नहीं देने लगते क्योंकि घर में रजाई में लेटे होते हैं, कुछ पता ही नहीं लगता सर्दी क्या है, सारा दिन घर में लेट के ऐसी बस गुजार दी, सारा दिन ही रजाई में लेट के सो के, इसलिए मैंने टोपी ले ली है सर पर। मानी को ठंड लग रही है तो मानी ने कैप ले लिया जी सर पे, मानी कह रहा है ठंड बहुत लग रही है, बहुत लग रही है। अभी जा रहे हैं कारेफोर, कारेफोर मानी क्या है?
कारीफूर एक मार्केट है, वो बहुत अच्छी मार्केट है। कारीफूर एक इंटरनेशनल मार्केट है, वो मैंने देखा था। लो जी क्या हुआ है, यहाँ पे देख लो जी, आज उस बोला कि शॉप ही बंद है। शॉप कह रहा हूँ क्या यार, एकेडमी है क्या है, लेक्चर देते हैं यहाँ पे, स्कूल है आतिश गोला का स्कूल, वो बंद है। मैं यहाँ पे आया था क्योंकि मुझे काम था, तो बंद है। जैन भाई कुछ कहना चाह रहे हैं, टेम्परेचर कितना है? टेम्परेचर यार पहले बताया तो है जैन भाई, 5 था, मैंने देखा 12। लो जी 12, फिर हमने गलत बता दिया यार। मानी क्या कर रहे हो? देखा था मुझे, मानी ने बताया था, मैंने मानी से पूछा, मैंने पूछा टेम्परेचर कितना, गैस किया था मैंने, मानी ने गैस किया। देख लो मानी को जब सर्दी लगती है मानी गैस करता है, बेशक वो 5 हो बेशक वो 12 हो, मानी को सर्दी लग रही है तो मानी कह रहा है ये 5 है। क्यों मानी? घर में मैंने देखा था 8 था, मैं क्या सर्दी ज़्यादा होगी या इसलिए 5 हो गया होगा। तो यार 12 है मानी, झूठ ना बोला करो। अरे मैं कौन सा झूठ बोला, मैं तो बता रहा हूँ मैं। मानी नहीं, मानी अच्छा बच्चा, मानी झूठ नहीं बोलता। अभी हम जा रहे हैं कारीफूर, कारीफूर कारीफूर। हाँ यार मानी सर्दी तो है, वो हमारे व्यूवर्स भी कह रहे होंगे यार ये सर्दी की बातें करी जा रहे हैं। अच्छा यार सारी बातें छोड़ो, मैं आपको दिखाता हूँ, ये ग्राउंड है फुटबॉल की, कभी कभी खेलने आ जाते हैं यार। ये सारी पीछे तक देखो ग्राउंड है, सारी फुटबॉल की ग्राउंड है, काफ़ी अच्छी है। अच्छी मतलब कि अच्छा, आपको एक बात मैं बताऊँ, ये जो आपको नज़र आ रही है ना ये ग्रीन कलर, ये घास तो नहीं है ये, क्यों मानी ऐसी ही है? कारपेट है, ग्रीन कलर का है, ग्रीन कलर का एक कारपेट है, वो उन्होंने बिछाया है, ये घास नहीं है। मैच से क्रिकेट नु बड़ा मिस कर रहे हैं यार, वाकई यार मेरे दिल की गल छेड़ ली आ के क्रिकेट ही इतने मिस कर दें, क्योंकि सारा तकरीबन सारी जिंदगी यही क्रिकेट ही खेली है, क्रिकेट खेली वाकई यार, क्रिकेट नु बहुत मिस करते हैं। अच्छा ताडे विचों किन्नू किन्नू क्रिकेट पसंद आ, वो सानू नीचे कमेंट बॉक्स से दसे, कमेंट भी यार करया करो, ताडा अपने चैनल है, अपने चैनल समझो यार, इनू लाइक करो शेयर करो, चैनल नू सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों नाल शेयर करो, ताडा अपने चैनल है, इनू जिन्ना सपोर्ट करोगे उन्नी इस तरह की इंशाल्लाह ही अच्छी अच्छी वीडियो लेके आवांगे। क्यों मानी यार बताया करो उन्हें, अभी तक हमारी सिर्फ 13 सब्सक्राइबर है, आप देखते हैं ये वीडियो हम जब अपलोड करेंगे तो कितने सब्सक्राइबर होंगे मानी। देखो तुम्हारे नाले अपनी सेहत का ख्याल रखियो, हां सबसे सर्दियां का मौसम है तो ठंड बहुत है मानी, की पता कई जगह तो ठंड ना ज्यादा हो, क्यों अभी हो सकता है, सेहत का ख्याल तो यार भावे ठंड हो भावे गर्मी हो भावे सर्दी हो, सेहत का ख्याल तो रखना चाहिए ना। मानी ने बात अच्छी की है, लाख रुपए की करोड़ रुपए की मानी ने बात अच्छी की है, मानी देखो कितना नेक हो गया मानी, एक मिनट में देखो सियानिया गल्ला, एक मिनट में ही नेक मानी, देखो क्या करता है जी। उस्मान भाई क्या बता रहे थे आप? मानी क्या बता रहे थे? मैं ये बता रहा था इधर देखे, इधर एक लगाया उन्होंने, एक दरख्त लगाया, ये दरख्त है मानी, ये तो लाइटिंग है, बहुत लाइटिंग की है ना, वो सेंटा क्लॉज का होता नहीं है, क्रिसमस तो मानी गुजर गई, आज गुजर गया लेकिन उन्होंने लगाया, अभी तक चल रहा है। हम कहाँ पहुँच गए हैं बताए, अभी हम जा रहे हैं प्राथी को, ये मार्केट है प्राथी को, वो भी है अगले व्लॉग में हम जरूर इधर आएंगे प्राथिको में, उधर आपके बताएंगे ये इधर क्या क्या होता है। अगर आप ये वीडियो लाइक करेंगे शेयर इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में भी हम दूसरी मार्केट जाएंगे, आपको नई वीडियो लेकर आएंगे आपके लिए, आपको नई से नई 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 चीज बताएंगे मानी, नई से नई नई नवी तो नवी काट के दिखावांगे किथे किथे इन्होंने लगाई है टालियां नाल मानी तो शादिया। अभी हम जा रहे हैं रास्ते में, थोड़ा सफर दूर है, मानी क्या बता रहे थे तुम? मैं बता रहा ऊपर से जहाज है, मानी जहाज ही, मानी जहाज, मानी का जहाज उतो नंगिया जी, जहाज नंगा पे, मैं इतने पहाड़ा यार, जब जहाज आपके ऊपर से गुजरा है तो आपको पाकिस्तान नहीं याद आया?
पाकिस्तान में ऐसे कोई मैंने देखा ही नहीं कभी जहाज पहला पर ऊपर से जाता वाला है। इधर बहुत नजदीक है शाम। और यार मेरा मतलब था कि पाकिस्तान जाने का तुम्हें यार दिल ने नहीं कहा कि जहाज जा रहा है पाकिस्तान हम भी जाएं। यार नहीं ये इसने यार सोच लिया जेन में ये इसने नहीं अब जाना कितने साल मानी मैं इंशाल्लाह स्टडी खत्म करके जाऊंगा। स्टडी खत्म करके यार पाकिस्तान तो हमारी दिल है जान है कितना प्यार है मानी पाकिस्तान से तुम्हें बताओ कोई अल्फाज है तुम्हारे पास। मैं पाकिस्तान के लिए अपनी जान कुर्बान कर कुछ सुना दो यार मानी मेरी बात तो ठीक ही नहीं है। जैन भाई यार आतिफ असलम का कुछ बता दो सुना दो। जैन को नहीं आता क्या था यार वो वाला मेरा तो यही नारा है कि पाकिस्तान दिल जिंदाबाद दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद कैद आजम जिंदाबाद। क्या मानी बता रहे मनी क्या बता रहे थे 24 घंटे पर 24 घंटे ही ओपन रहेगी। ऊपर लिखा है श्यामो अभ्यर्थी इसका मतलब है खुली है। खुली है जी आ जाओ। अभी हमें इंटर हो गया मार्केट में ये कारेफूर है जी फिर से लिखा है जो यार आपको मार्केट ये देखें इधर फिस्ता लगा है अखरोट का अखरोट का फिस्ता लगा है ये उन्होंने 199 का लिखा है एल पेसो भी है फिस्ता लगा ना ऊपर ये देखें ऊपर तो सुन तो बताओ ने 44% सुन तो है कितने का था ये देखो यहाँ पे लिखा है 3.5 euro का था तो अब 2 euro का हो गया 44% 1 euro 1.5 euro उन्होंने कम किया। चलो आगे चले ये इधर आपको दाले दिखाते हैं ये देखें ये उसका बॉर्डर है क्या कहते हैं उसको क्या कहते हैं हांडी में भी डालते हैं सूखा धनिया सूखा धनिया ना वो मेथी मेथी के पत्ते नहीं होते वो ब्री करके उन्होंने डाले क्या ये लिखा ओरिगानो इन फोलिए ये हल्दी है ये हल्दी है कुरकुमा ये भी हल्दी की किस्म ही है ये लाल मिर्च है वो क्या है वो ये भी है एक ही है एक ही है ये देखो ये जंजीरो ये क्या उसे कहते हैं अदरक है अदरक का पेस्ट है पाउडर है ये देखो दड़ड़ मिर्ची ए भी पेर स्पागेटी आपको दिखाई थी ना स्पागेटी भी हमने उसमें डालने हैं ये इधर है मैंने सारे मसाले हैं इन्होंने देखा ये इधर रखी है जुमैन आगे भी कुछ और भी है वो भी देखें आ जाओ यार आगे चलते हैं ये इधर है इधर सब्जी लेने का गया था अभी ये देखा फ्रूट है ये वर्दूरा है ये फ्रूट है वर्दूरा है ये इसके अलावा ये दालें दूलें हैं ना जौन से यानी कि सूखा सामान है जौन से लेते हैं इधर क्लिक करेंगे तो हर एक जौन सा आपने लिया है ना हर एक जौन सा टोकरी है ना उसके ऊपर नंबर लगा हुआ है ये इतने नंबर पर ये वाला फ्रूट है आपने क्लिक करनी है वो फ्रूट आ जाएगा और उसका वजन है आपने देना है जितना वजन यार मानी तुम सब्जी बेच रहे हो बता रहा हूँ कि इसका कैसे सिस्टम होता है मानी देखो यार बताओ मानी ये ठीक बताता है मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप अच्छा यार आपको वो आपने देखा वो टॉम एंड जेरी उसमें जो फरमाजू होती है ना वो ये वाली यार दिखाओ चीज होती है जान सी वही चीज़ ही फरमाजू ही है ये वाली होती है अभी मैं आपको दिखाता हूँ इनकी शराबें जौन से होती हैं शराबें तो लेकिन हमारे लिए है अच्छा यार हर पैसे में जौन से नया होता है ना फेस्टिवल उधर ये शराबें लेके जाते हैं दो दो एक एक बंदा एक एक बी लेता है पता तो नहीं कितनी कितनी बेले तो मैंने देखा नहीं लेकिन देखिए पूरा ग्राउंड ही भरिया होता है शराबा का और कुछ रखा ही नहीं वैसे पूरा यार एक पोर्शन इन्होंने बना के रखा है शराबों में शराब
ये देखें सारे कलर की शराब है, हर एक चीज की शराब मिल जाएगी आपको यहाँ, महंगी से महंगी यहाँ पे देखो जो भी है। बस एक छोटा सा ये बनी है, ये सिर्फ सिर्फ होता है ना दोनों मशीनों में डाले कपड़े वो है, जिन लोगों का सफाई का शौक है वो उनके लिए मतलब। ये देखें इधर इस्त्री लगी है, इतनी बड़ी इस्त्री है, ये कितनी ईयर होगी, चिड़वंजा ईयर होगी है, 6-7 हज़ार की होगी। नहीं यार चरवंजा ईयर कितने बनते हैं, 55 ईयर हैं, 54 ईयर मनी कितने बनते होने भला, मेरे हिसाब ना दे 10 हज़ार ही होंगे होने, आप ही हिसाब ला लो। यार एक यूरो कितने का भला मानी, एक यूरो 180 तक है, 170 नहीं यार 180 नहीं 150 ना 160 ना मैं उन्हें जरब दे दी यार, के यारे लग गई थी आज यार आपको और भी दिखाते हैं। ये देखो आपने आपको पता ये क्या है, आपने वो वीडियो देखी है, आपको यार मैं ये जब भी मैं देखता हूँ ना मेरे जहन में वो एक चीज़ आ जाती है, एक वीडियो मैंने देखी थी फेसबुक से, वहाँ पे ना पता नहीं वो कहाँ की थी, उसमें एक उन्होंने वो बनाया था, उसमें वो गधा घोड़ा वो सब कुछ इसमें डाले जाते थे, मुथले करो सारे, कुत्ता भी खोता कुत्ता घोड़ा सारा कुछ वो मशीन सारी पीस के ना लास्ट में जो फार्मेशन बनती थी वाली बनती थी, कीमा बन के सर एंड जी बनती थी ना एक छोटी काफी बनी थी, हाँ छोटी सी टॉफी या इस तरह की ये गोल गोल सी बनती, नाले एक चीज होर है तुम इस मच्छियां दहाने नाले जड़ियां हैं। अगला भी रुके मेरे को मैं फिर पूछ लेने के बाद मस्ती बना। अच्छा यार जो काम से थका आता है ना वो बनी बनाई ये रोटियां ले लो, ये रोटियां बनी बनाई, जो लोग यहाँ पे काम करते हैं वो तो घर की रोटी सोचते होंगे हैं, क्यों मनी घर में क्या करते हैं, अम्मी जी रोटी लगा दो, अम्मी जी रोटी लगा दो यार रोटी बना दो, यहाँ पे तो ये बिकती रोटी सारी बनी है, रोटी तैयार है, बस रोटी तैयार है, फूड तैयार है, उन्होंने बनाई होगी पहले से, हर एक चीज़ अब बनाई है। इधर का जैसे शुवारमा ना वो भी बहुत मज़ेदार होता है, इस तरह का होता है शुवारमा, बहुत मज़ेदार होता है, मैंने खाया 2-3 दफ़ा, जब मैं जाऊँगा ना तब आपको दिखाऊंगा। ये है क्या मनी, ये वो शुवारमा कबाब है, कबाब तुर्की कबाब, आपको पता है तुर्की कबाब, जिन लोगों को जो लोग आइसक्रीम के शौकीन हैं चॉकलेट के, आओ आपको दिखाता हूँ, साड़ी लगी है, ये कौन सी आपको पसंद है यार वो बताओ आप नीचे कमेंट करके, मेरे मुंह से तो पानी आ रहा है, मानी पे तेरे मुंह से तो पानी आ रहा है, ये बहुत महंगी है, जो से है सिटी भी आती है मशहूर है, मानी वो तिरामिसू भी है साथ में, तिरामिसू है ये वाला, तिरामिसू भी है, बहुत अच्छी अच्छी है मैम, ये मार्केट बहुत ही अच्छी है, इसमें रेट भी यानी कि डिस्काउंट भी किया होता है, ये देखो ये सारे ये बनाए सारा पास्ता स्पेगेटी सारी बनी है बनी बनाई, ये सारी सब्जी हैं, आज फेस्टिवल है इसलिए हर एक चीज़ में डिस्काउंट किया है उन्होंने, ये देखो सारी आइसक्रीम पैक है, आपको कौन सी पसंद है वो बताओ आप, और इधर ये सारे पिक्चर पर लगे हुए हैं, ये सारे पिक्चर लगे हुए हैं, बेल्ला नापोली है, देखें ये नापोली का, नापोली का बहुत मशहूर होता है, क्वात्रो फरमाजी का मतलब है हर जोन सा पीस होता है ना चार हिस्से तकसीम हो गए हैं, हर जोन सा चार हिस्से होते हैं वो बहुत मशहूर है क्वात्रो फरमाजी, तो उसमें ये डाले होते हैं स्कारमोसा है, एकदम अंकिले का गोरगोंजोला ये प्रोवोनोली, ये बहुत उसमें डाली है, पालक भी डाली है, पोमोदोरी भी डाली है, शिमला मिर्च भी डाली है, लाल प्याज भी डाला है उसमें,
पिज्जा बहुत अच्छा से मशहूर है, लेकिन कहीं में डाला होता है उन्होंने सुअर का गोश्त, पता ही होता है। आज यार आज आगे चलते हैं सुअर को देख देख के यार मानी तुमने। ये जेल लगी है, जेल का सारा पोर्शन है, ये सारी जेल है जो बारह में स्प्रे लाते जी, सारे शैम्पू ये इधर सारे शैम्पू है जो से अभी ये इसकी मशहूरी मैं दे रहा हूँ हेड शोल्डर की, वो शायद अफरीदी भी देता ना, आज मैं दे रहा हूँ मशहूरी। मानी एक डेमो दो हमें पीछे जाके पंजाबी में दस के किस तरह की पब्लिसिटी होएगी, ये की करेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नाले वैसे थल्ले जेहड़ी हुंदी है उनू की कहंदे आ, आहो यार ओ जेहड़ी थल्ले घंटी नहीं हुंदी ते नाल बटन हुंदा, घंटी भी नपा दियो। अच्छा अल्लाह हाफिज, चाओ। सही है नपना जी, सही है ओ थल्ले जेहड़ी घंटी है नपना, ओ भी नपनी जी, सही है ना। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।